Can you skip back side of us? तो अभी ये सामने मेरे बिल्कुल अहमद सुल्तान है और उसकी ओपोजिट साइड है जो वो है आया सोफिया। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा, वहाँ विज़िट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलें गाइस, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का मेरा प्लान है ब्लू मास्क जाने का, क्योंकि जब से मैं तुर्की आया हूँ वहाँ का मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया। इधर उधर घूमते रहे लेकिन वहाँ का अभी तक मैंने विज़िट नहीं किया। तो आज सुबह से मैंने ये प्लान बनाया था कि वहाँ पे जाना है। सबसे पहले अभी रेडी हुआ, अभी करेंगे नाश्ता बाहर जाके। टाइम कितना हो गया है पाकिस्तान में? तो तकरीबन 2 बज रहे हैं, यहाँ 11:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। और नाश्ता करते, नाश्ता करने के बाद प्लान स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ, वहाँ भी बैठ के नाश्ता करेंगे। ये जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 पाकिस्तानी होटल्स हैं और 1-2 होटल है जिनका खाना बस टेस्टी है, बाकी तो तुर्की आके भी मतलब बहुत। ये जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 पाकिस्तानी होटल्स हैं और 1-2 होटल है जिनका खाना बस टेस्टी है, बाकी तो। तो जैसे ही गाइस मैं थोड़ा फ्री होता हूँ और एक मैं व्लॉग बनाऊँगा फुल डिटेल के साथ। बहुत सारे दोस्त भी हैं और लोग पूछते भी हैं कि कैसे गए, वीज़ा कैसे मिला, यहाँ का रहने सहने का सिस्टम क्या है, होटलिंग ये वो सब, एक फुल डिटेल के साथ पूरा इस पर मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। उस पर पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं यहाँ तक कैसे आया, वीज़ा कैसे लिया, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पहुँच गया हूँ, मैं जा रहा हूँ आया सोफिया मस्जिद की तरफ। और वैसे भी यहाँ पे असर का टाइम हो गया, आपको अज़ान की आवाज़ तो आ रही होगी, अज़ान सुन रही होगी। तो यहाँ पे असर की नमाज़ अदा करेंगे और देन थोड़ा विज़िट करेंगे। जैसे कि ये नज़र आ रहा है सुल्तान अहमद है और ये जो है बिल्कुल ये आया सोफिया है। तो पहले हम आया सोफिया जाएंगे। माशाल्लाह अज़ान और मैं बहुत अच्छे टाइम पे पहुंच गया हूँ, तो चलो नमाज भी यहाँ पे अदा करेंगे। और बिल्कुल आमने सामने आया सोफिया और सुल्तान अहमद, दोनों जो मस्जिद है आमने सामने। इधर आपको नज़र आ रही है सुल्तान अहमद, इधर जो नज़र आ रही है ये है आया सोफिया। तो पहले मैं इधर जाऊँगा, यहाँ पे नमाज़ पढ़ूँगा और उसके बाद फिर सुल्तान अहमद जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस इसी तरफ। ये आई थिंक उसकी बैक साइड है। तो अभी गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, काफ़ी घूम घुमा के आया हूँ। अभी तो ये मस्जिद का बाहर का व्यू है, क्योंकि ये अमन बिल्कुल ऑपोजिट है। एक साइड पे है आया सोफिया, दूसरी साइड पे है सुल्तान अहमद और मैं इनके जो है सेंटर में हूँ, इस टाइम मिड में हूँ। गर्मी है बट गर्मी लग नहीं रही क्योंकि इतनी धूप नहीं है, उस हिसाब की गर्मी नहीं है जिस हिसाब की पाकिस्तान में पड़ रही है अभी। हम धूप में खड़े हैं अभी, थोड़ा मैं घूम फिर लें तो तब तक नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर हम जो है नमाज पढ़ेंगे जाकर। नमाज पढ़ने के बाद अगर अच्छे रहे तो थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा पूरा विज़िट करते हुए, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है और दोनों मस्जिदों को विज़िट करेंगे। उधर भी है और ये पीछे भी आपको नज़र आ रही है। तो ये है इंट्रेंस, यहाँ से अंदर इंटर होंगे और पहले उसी वक्त की बनी हुई है मस्जिद
और यहाँ से भी हम अंदर इंटर होंगे। अंदर इंटर होके नमाज अदा करेंगे, नमाज का टाइम है, उसके बाद थोड़ा बाहर विजिट करते हैं। इंटर हो गया हूँ गाइस मैं, अभी रश बहुत ज़्यादा है तो जमात हो रही है। ये अंदर वाली साइड है मस्जिद की, नमाज अदा कर रहा हूँ। ये आया सोफिया का अंदर वाला। नॉन मुस्लिम की यहाँ पे एंट्री नहीं है, और मुस्लिम की जो नॉन मुस्लिम है वो सामने बाहर खड़े हुए हैं। माशाल्लाह क्या खूबसूरत आवाज़ है। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन है सारी तुर्किश ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में नहीं है, टोटल तुर्किश ज़बान में लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पे वज़ू के लिए जगह बनाई जाती है, और यहाँ पे लोग जो है आके वज़ू करते हैं। और यहाँ से गाइस मिलता है फ्रेश जूस, यहाँ से हमने लिया फ्रेश जूस। और ये अनार यूएन की रेप लिस्ट है, तकरीबन 60 लीटर का है यहाँ पे, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाहर थोड़ा कम रेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी यहाँ पे इंटर होंगे तो अंदर इंटर होके देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अभी ये सामने मेरे बिल्कुल अहमद सुल्तान है, और उसकी ओपोजिट साइड है जो वो है आया सोफिया। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा, वहाँ विज़िट करूंगा। तो अभी गाइस मैं मेन एंट्रेंस पे आया हूँ, अभी मैं इंटर होने लगा हूँ अंदर। तो गाइस अंदर इंटर हो गया हूँ अभी। तो गाइस अभी मैं मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन ये मस्जिद का सीन है मस्जिद के बाहर। मस्जिद के अंदर वाली साइड पे अभी मैं इंटर नहीं हुआ, तो यहाँ से अभी हम जो है इंटर होंगे मस्जिद में। यहाँ जूते उतारेंगे बाहर, उतारने के बाद अंदर का विज़िट करते हैं अभी। तो ये है गाइस अहमद सुल्तान, मस्जिद के अंदर हूँ इस टाइम में। ये अंदर वाली साइड है, पहले मैंने आपको बाहर का विज़िट करवाया, तो अभी बिल्कुल ही अंदर इंटर होते ही ये चेक करें।
यहाँ पे भी दो नफल अदा करूँगा मैं। ये जो साइड लगी नज़र आ रही है सेंटर में से, यहाँ गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है और आगे नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं। मैं वहाँ जाकर सामने बैठ के नमाज पढ़ूँगा, थोड़ी तलावत करूँगा, उसके बाद बाहर आऊँगा। गाइज़ अभी मैं वापस पहुंचा हूं अपने स्टॉप पे। स्टॉप का नाम है एक्सरे, जहां पे मेरी रहायश है, जहां पे मैं रहता हूं। स्टॉप का नाम है एक्सरे और यहां पे ट्रेन नहीं जाती है, मेट्रो नहीं जाती, तो तकरीबन नज़दीक ही है। यहां से तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे, टोटल 10 मिनट में मैं वहां पहुंच गया था आया सोफिया। तो अभी मैं जाता हूँ थोड़ा रूम की तरफ, थोड़ी रेस्ट करते हैं, नेट वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि नेट पैकेज नहीं है, सिम नहीं मैंने ली, तो इसलिए मैं जब रूम में जाता हूँ या कहीं होटल में बैठता हूँ तो नेट वगैरह ऑन होता है, तो अदरवाइज़ मेरा नेट बंद होता है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने रूम की तरफ। तो गज वापस मैं पहुँच गया हूँ अपनी लोकेशन पे। तो अभी भूख लगी है बहुत सख्त किस्म की, तो अभी हम खाएँगे शवारमा। मेन्यू मेरे सामने पड़ा है, और पेप्सी वन यस वन सूर्यन शवारमा सूर्यन। वैसे आ गया शवारमा, शवारमा प्लेटर है, साथ में पेप्सी। ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं एक सुबह न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।